हेलो फ्रेंड्स, आज मैं लेकर आई बहुत ही मज़ेदार चटपटे नाश्ते की रेसिपी। इसे आज हम एक कप गेहूं के आटे से और कुछ सब्जियों से बनाएंगे और ये बहुत ही जल्दी बन जाता है, तो इसको बनाना शुरू करते हैं। पहले लगाएंगे आटा। यहाँ पे कोई मिक्सिंग बाउल लेंगे, इसमें डालेंगे एक कटोरी गेहूं का आटा, स्वाद अनुसार नमक या फिर एक छोटी चम्मच, एक चम्मच अजवाइन, इससे टेस्ट बहुत बढ़िया आएगा। इन सबको पहले मिक्स कर लेंगे। यहाँ पर हो गया मिक्स। अब इसमें थोड़ा थोड़ा करके पानी डालेंगे, एक साथ नहीं डालेंगे। जिस तरह हम रोटियों के लिए आटा लगाते हैं उसी तरह इसका भी आटा लगा लेंगे। डो लग गया और डो को इतना सॉफ्ट लगाना है जैसे मैं उंगली काट रही हूँ, तो साफ चमक रही है। अब इसे कवर करके 5 मिनट के लिए रेस्ट के लिए छोड़ देंगे। अब इसके लिए स्टफिंग बना लेते हैं। यहाँ पे लिया एक कच्चा आलू। मैंने आलू को कद्दूकस कर लिया है और 2 से 3 बार उसे अच्छे से धो लिया है। अब इसमें कुछ सब्जियां डालते हैं। एक प्याज बारीक कटी हुई, एक शिमला मिर्च बारीक कटी हुई, एक गाजर कद्दूकस करी हुई, एक चम्मच नमक। इन सबको मिक्स कर देंगे। नमक पहले डालने से क्या है, सब्जियां पानी छोड़ देंगी और थोड़ी सॉफ्ट भी हो जाएंगी। आप यहाँ पे सब्जी कोई सी भी डाल सकते हैं जो आपको पसंद हो। ये हो गया मिक्स और इसे कवर करके 5 मिनट के लिए छोड़ देंगे। 5 मिनट हो गए और अब सब्जी को भी देख लेते हैं। सब्जी हो गई पहले से सॉफ्ट। अब एक और बर्तन ले लेंगे, सब्जी को निचोड़ते हैं दोनों हाथों से। इस तरह से निचोड़ेंगे जिसका पानी है वो सब निकल जाए। इसको निचोड़ लिया है और अब इसमें से एक भी बूंद पानी नहीं निकल रहा है। अब इसे डाल देंगे दूसरे बर्तन में। इसी तरह सारी सब्जी को निचोड़ लेंगे। देखिए सब्जी ने कितना पानी छोड़ा है। इस पानी को फेंके ना, इससे आटा लगा ले या फिर ग्रेवी में डाल ले। 2 हरी मिर्च बारीक कटी हुई, आधी चम्मच चिली फ्लेक्स ना हो तो लाल मिर्च का पाउडर भी डाल सकते हैं, 1 चम्मच चाट मसाला, चाट मसाला ना हो तो अमचूर पाउडर भी डाल सकते हैं, आधी चम्मच जीरा, 1 चम्मच धनिया पाउडर, 1/4 टीस्पून गरम मसाला, नमक गिरेंगे आधी चम्मच। नमक हमने पहले भी डाला है उसके अनुसार गिरेंगे। थोड़ा सा डालेंगे बारीक कटा हुआ धनिया पत्ती। इसे करेंगे मिक्स। ये हो गया मिक्स और अब इसे एक साइड रखते हैं। आटे को भी अच्छे से रेस्ट मिल गया। इसे थोड़ी देर के लिए मसल लेंगे, 1 मिनट के लिए आटे को मसल लिया है। और अब इसमें से 2 लोई बना लेंगे इक्वल इक्वल साइज की और अब इसको गोल कर देंगे। पहले दोनों लोइयों को गोल कर लिया है और अब इसमें से 1 लोई ले लेंगे। लोई के दोनों साइड लगाएंगे सूखा आटा और अब इसको बेलते हैं। इसको बेलन से बेलेंगे जिस तरह हम रोटी बेलते हैं, सेम इसको इसी तरह बेलेंगे और रोटी की तरह पतला ही बेलेंगे। बीच बीच में सूखा आटा लगा लें जो चिपके ना। इसे रोटी से थोड़ा बड़ा बेलेंगे। इसे बेल लिया है और रोटी से बड़ा बेला है और देखिए इसे रोटी की तरह पतला बेला है। अब लेंगे स्टफिंग। स्टफिंग को रोटी पे रखेंगे। स्टफिंग को पूरी रोटी पे फैला देंगे। पूरी रोटी पे स्टफिंग को फैला दिया है। अब इसको फोल्ड करेंगे एक साइड से उठा के। इस तरह से इसको फोल्ड करेंगे और दबा देंगे, फिर से उठाएंगे और फिर से दबा देंगे। उठाते रहेंगे और दबाते रहेंगे। इसे कर दिया फोल्ड और अब इसको एक बार रोल कर लेंगे इस तरह से, जो लास्ट वाला पार्ट है वो चिपक जाए और जो साइड में से खुला है उसे इस तरह से बंद कर देंगे। दोनों साइड से बंद कर दिया है और देखिए लास्ट वाला पार्ट भी अच्छे से चिपक गया है। यहाँ पर लिए मैंने जाली वाली परात जिसमें छेद है, इस पे पहले तेल लगा लेंगे। तेल लगाने के बाद जो हमने रोल रेडी करा है उसे रख देंगे इस तरह से। दूसरी लोई को भी हम इसी तरह से बेल लेंगे। यहाँ पर मैंने एक बड़े बर्तन में पानी गर्म होने के लिए रख दिया था। पानी गर्म हो गया, अब जाली वाली परात रख देंगे स्टीम करने के लिए। आप यहाँ पे स्टीमर का भी यूज कर सकते हैं। इसे कवर करके 7 से 8 मिनट हम स्टीम करेंगे। 8 मिनट हो गए, ये हो गए स्टीम और देखिए पहले से कितने डबल हो गए। इनको प्लेट में निकाल के ठंडा कर लेंगे। ये हो गए ठंडे, अब इनको कट कर लेंगे। आप यहाँ पे इसके कैसे पीस रख सकते हैं, छोटे या बड़े। मैं मीडियम साइज के रख रही हूँ। यहाँ पे मैंने कट कर लिया और देखिए
अब इसको एक साइड रख देंगे। यहाँ पे लेंगे कोई बाउल, इसमें डालेंगे 2 चम्मच मैदा, आधी छोटी चम्मच नमक, इसमें गिरेंगे थोड़ा सा पानी, अब मिक्स कर देंगे। यहाँ पे इसका पतला सा घोल रेडी कर लेंगे। ये हो गया मिक्स, और देखिए इसे इतना पतला रखना है। एक पीस उठा के मैदा के घोल में डाल के उसे कोट करेंगे इस तरह से, फिर कढ़ाई में डाल देंगे। तेल हो गया गरम, अब इसमें अपना नाश्ता डाल देंगे। एक बार में जितने आ जाए उतने डाल देंगे। इसकी गैस हाई रखेंगे, हाई गैस पे हमें इस नाश्ते को सेकना है। ये नाश्ता बहुत ही मजेदार है, इस नाश्ते को एक बार जरूर बनाइए। और अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं करा तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक का बटन जरूर दबाइए। 2 मिनट के बाद अब इनको पलट देंगे, दोनों साइड से उलटते पलटते सेक लेंगे जब तक इनका कलर हल्का गोल्डन कलर का ना हो जाए। दोनों साइड से हो गया कलर चेंज, देखिए कितना प्यारा सा कलर आ गया है। और अब इनको निकाल लेते हैं, बाकियों को भी हम इसी तरह से सेक लेंगे। ये हमारा बहुत ही मजेदार सा नाश्ता बन के हो गया रेडी, और देखने में भी कितना लाजवाब लग रहा है। इसके सामने पिज्जा, बर्गर और स्प्रिंग रोल सब फीके हैं। इस रेसिपी को एक बार जरूर ट्राई करें, और ये वीडियो कैसी लगी मुझे कमेंट करके जरूर बताइए। मेरे चैनल को प्लीज प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें एंड शेयर करें। एक नई वीडियो के साथ फिर मिलते हैं, थैंक यू।